गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या हालचाल है? बढ़िया है। ओके भाई, थर्मोडायनेमिक्स चल रहा था, लास्ट टाइम शुरू किए थे, आज आगे बढ़ा देते हैं। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट क्या क्या किया था। सबसे पहले आई थिंक वी डिड द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हिच सेड दैट टू सिस्टम्स इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, यू रिमेंबर ए वॉज इन इक्विलिब्रियम विद सी, बी वॉज इन इक्विलिब्रियम विद सी सेपरेटली, देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, एंड एज अ रिजल्ट तीनों सिस्टम्स का एक क्वांटिटी कॉमन हो जाता है विच इज टेम्परेचर। फेयर इनफ, दैट वाज जीरोथ लॉ। टेम्परेचर के बारे में हमको सबसे पहला आइडिया जीरोथ लॉ ने दिया। उसके बाद वी डेल्ट विद फर्स्ट लॉ। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने फर्स्ट लॉ करने से पहले इंटरनल एनर्जी भी देखा था। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल का सम लेंगे, दैट विल बी इंटरनल एनर्जी। बाहर के किसी भी फैक्टर का इंटरनल एनर्जी में कोई लेना देना नहीं है। एंड इंटरनल एनर्जी को दो तरीकों से चेंज किया जा सकता है, वन बाय गिविंग हीट एनर्जी, बाय सप्लाइंग हीट एनर्जी और टेकिंग अवे हीट एनर्जी, एंड सेकेंड बाय डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम या वर्क बींग डन बाय द सिस्टम। सो टू वेज ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी, By giving heat energy or work. So, in tino quantities ko relate karne wala law, which was the first law, was delta Q is delta U plus delta W. Delta Q is the amount of heat energy supplied or absorbed. Delta U is the change in internal energy and delta W is the work done on or by the system, whatever be the case. Also, humne work done ka bhi ek bahut behtareen equation dekha tha. Work done is P delta V, and as a result your equation for first law became delta Q is delta U plus P delta V. We also saw last time that the area under the pressure versus volume graph will give us the amount, the total work done by the system or on the system. So that was the idea. I think that is all that we did in the last session. Okay, aaj aage badhte hain aur aaj कुछ स्पेसिफिक हीट जो आइडिया हमने ऑलरेडी चैप्टर 11 में देखा हुआ है, थोड़ा बहुत फिर से रिपीट करके देखेंगे उसको। सीपी और सीवी के रिलेशन को देखेंगे। वी विल आल्सो लुक एट द वेरियस प्रोसेसेस लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, एडायबैटिक प्रोसेस, जो भी है उन सबको देखेंगे और आज का कारवा आगे बढ़ाएंगे। सो लेट अस गेट रोलिंग। फर्स्ट वी डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। इट्स अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, एज आई ऑलवेज लाइक टू कॉल इट। Heat capacity and specific heat capacity. You know, अगर किसी substance को delta Q amount of heat energy आप देते हैं तो its temperature will increase by delta T. Consequently, अगर आप delta Q energy निकाल देते हैं तो temperature will decrease by delta T. बात तो वही है। So, if delta Q amount of heat energy is given to a body and its temperature changes by delta T, तो अब हम define करने जा रहे heat capacity। तो heat capacity is, भाई heat capacity का definition बड़ा ऐसा है सर, ये पहले करा चुके हो, मैं जानता हूं। मैं बड़ा एस इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। फेयर इनफ। सो दिस गोइंग टू बी योर इक्वेशन नंबर वन। ये तो तलवार की तरह बीच में घुस गया। अगर मैं इस टर्म में मास ऑफ द बॉडी को भी इन्वॉल्व करूं, अब इसमें मास ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व नहीं था, बट इसमें इस इक्वेशन में मास ऑफ द बॉडी को भी लाऊं, तो दैट विल गिव अस व्हाट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो specific heat capacity chota s is bada s by m, heat capacity over the mass of the body, and that is equal to delta q by m delta t. Very lovely equation, and I believe isi ka ek offshoot delta q is m s delta t was one of the strongholds of chapter number 11. So, what exactly is specific heat capacity?
the amount of heat required, heat energy required to change the temperature of unit mass, you know, dividing by m means unit mass of a substance by delta T is called specific heat capacity. SI unit, joule per kg Kelvin. So SI unit of specific heat capacity, chota s, is joule per kg Kelvin. And ye specific heat depend kis pe karti hai? TTP, type, temperature, pressure. So it depends on the type of the material, the temperature of the material, and the other prevalent conditions. So the value of specific heat capacity depends on the type of material, TTP maine kaha, on type of material, its temperature, and other physical conditions present at that point of time. Or it pressure, volume, kya hai, etc. Un pe depend karta. Ab ye to koi bhi normal body ka hai. Agar hum gases ki baat kare, ya if the mass of the substance is not in terms of m in kg, but in terms of the number of moles, then we define molar specific heat capacity. For mass of the substance, mass of the substance represented in terms of number of moles, moles, number of moles, moles likh diya. Number of moles, that's mu, then we define molar specific heat capacity, same old idea, molar specific heat capacity, naam bade bade ek ek, molar specific heat capacity denoted as C. So C is S by mu, molar specific heat capacity denoted as C, which is S by mu, and same equation will work out, delta Q by mu delta T. Bahut hi sundar equation hai. And इस चैप्टर में और खासकर चैप्टर 13 में आई एम गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन. सो इफ आई, जैसे मैंने ये m डेल्टा t यहां ला दिया था, सो आई गॉट डेल्टा q इज ms डेल्टा t. इफ आई ब्रिंग म्यू डेल्टा t हियर, डोंट यू अग्री, आई विल गेट अ वेरी लवली इक्वेशन, डेल्टा q इज म्यू c डेल्टा t. डू नॉट फॉरगेट दिस इक्वेशन पीपल, आई माइट यूज इट फॉर वन सम टुडे. सो डेल्टा q इज म्यू c डेल्टा t. अब सी के दो प्रकार हैं. अगर आपकी प्रोसेस का प्रेशर कांस्टेंट है, देन यू गेट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. एंड अगर आपकी प्रोसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, देन यू गेट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. लेट अस जस्ट ब्रीफली राइट देम डाउन. एंड बिफोर आई गो ऑन एंड डू दैट, आई थिंक यू शुड नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी is joule per mole Kelvin. Okay, so SI unit of C, joule per mole Kelvin. So if pressure of the process, jis bhi process ki baat kar rahe, is kept constant, we get molar specific heat capacity at constant pressure, which is denoted as Cp, denoted as Cp. And if volume is kept constant, jo bhi process kar rahe ho, if volume is kept constant, we get molar specific heat capacity at constant volume. And kya denotation hai uska? Cv. Shayad Cp aur Cv se chemistry mein milan hua hoga aapka, I'm not really sure. Ho bhi sakta aapne dekha ho ya na dekha ho, doesn't matter. So Cp is the molar specific heat capacity at constant pressure, and Cv is the molar specific heat capacity at constant volume. Let me tell you, let me go one step further. Cp और Cv का रिश्ता क्या कहलाता है ये भी बता देता हूं आपको मैं. Cp minus Cv is R. And you know, this is a very important theory question. एग्जाम में पूछ सकते हैं
prove the relation between Cp and Cv, yeah, find out the relation between Cp and Cv, or prove that Cp minus Cv is equal to R. करने जा रहे हैं बस थोड़ी देर में, but एक छोटी सी, you know, मैं detour ले रहा हूँ. I think I can take this off. Kindly write these equations, please. I'll give you a couple of seconds. Fair enough. Okay. So एक छोटा सा detour ले रहा हूँ. And इस detour में मैं कोशिश करूँगा, वैसे इस चीज की कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल. बट मैं कोशिश यहां पे ये कर रहा हूं टू फाइंड द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स. ऑलराइट, सॉलिड्स की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करने का इरादा है मेरा, जो मैं कोशिश कर रहा हूं. ओके, सो आई डू दिस एज अ नोट. याद रखिएगा ये गैस वगैरह नहीं है, ये सॉलिड है. ओके, नाउ कंसिडर अ सॉलिड जिसमें एन एटम्स है. यू नो, कंसिडर अ सॉलिड having n atoms, कितने भी atoms हो, doesn't matter, and which are performing vibrational motion about their mean positions, about their mean positions. You all know, all atoms perform vibrational motions about their mean position. Ding dong, ding dong, चलता रहता है उनका. अच्छा, now this is why did I put this down in a note? बिकॉज जो चीजें मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, एनर्जी वगैरह की बात है, वो सब चैप्टर 13 में आएगा. आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दैट राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू डिराइव माई रिलेशन. सो डोंट गेट हैसल्ड इफ आई यूज समथिंग दैट यू डोंट ऑलरेडी नो. सो बिकॉज इट इज नॉट कम येट, इट इज गोइंग टू कम इन चैप्टर 13. ओके, द एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी ऑफ ईच डायमेंशन, वाइब्रेशनल एनर्जी जो है, हर डायमेंशन में दो मोड होते हैं और हर मोड की एनर्जी होती है हाफ के बी टी. एज आई सेड, यू डोंट नो दिस येट, बट दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन चैप्टर 13 इन इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. हर मोड की एनर्जी होती है हाफ के बी टी, एंड ईच डायमेंशन में दो मोड होते हैं तो हर एक की हाफ के बी टी, तो टू इंटू हाफ के, टू मोड्स, ईच मोड की हाफ के बी टी, सो टू इंटू हाफ के बी टी इज के बी टी. थैंक यू फॉर सेइंग दैट. एंड कितने डायमेंशन होते हैं, तीन. सो इन थ्री डायमेंशंस टोटल इंटरनल एनर्जी, हर एक डायमेंशन में केबीटी, तो तीन डायमेंशन में कितना, थ्री केबीटी. नाउ दिस इज फॉर अ सिंगल एटम. अगर एवोगैड्रो नंबर, एक मोल की बात करें, टोटल इंटरनल एनर्जी of one mole material is हर एक एटम की 3 kbt, and I'm sure you know हर मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na, Avogadro number, value भी आपको पता होगी, 6.02 into 10 raise to 23, okay, doesn't matter. तो मैं इसको 3 kbt, हर एक एटम की एनर्जी को टोटल नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, which gives me my total internal energy. And now ध्यान से देखिए, 3 KB into Na into T. ये Na को मैंने KB के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. KB into Na is R, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट. अच्छा, KB को, KB क्या है सर, KB यूज कर रहे हो यहां पे, यहां पे बताया नहीं, आई एम सॉरी. KB इज बोल्ट्जमैन्स कॉन्स्टेंट. प्लीज, एज आई सेड, डोंट गेट हैसल्ड. ये सब कुछ विस्तार में चैप्टर 13 में आएगा, इससे फिलहाल आपको देखना है इसको. ओके, KB इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, एंड KB into Na, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो नंबर इज अपना आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. तो मेरा, मैं ये उड़ा रहा हूं. ओके, सो ये उड़ा दो ना, मैं पूछा ही नहीं मैंने आपसे. ये सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, आई होप आपने लिख लियो. ना लिख लियो तो अभी दूसरे बोर्ड में आर है, डोंट वरी अबाउट दैट. सो तुम्हारा यू कितना हो गया श्रीमान, 3RT. नंबर क्या है, 1, 2, और 3. नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, गलती से न्यूटन मत ले लेना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, आई एम श्योर यू नो, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू विच इज पी डेल्टा वी. सॉलिड का चेंज इन वॉल्यूम करीबन नेग्लिजिबल होता है, इतना भी नहीं होता कि उसको कंसिडर किया जाए. सो फॉर अ सॉलिड,
डेल्टा वी नियरली इक्वल टू जीरो, नेग्लिजिबल है. सो यू कैन से डेल्टा क्यू इज करीबन करीबन डेल्टा यू. लेट मी डिवाइड बाय डेल्टा टी. सो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज डेल्टा यू बाय डेल्टा टी. भाई अभी थोड़ी देर पहले ही देखे थे, यहां देखे थे लास्ट बोर्ड में, यहां पे C was delta Q by mu delta T, पर यहां पे तो 1 मोल है, तो delta Q by 1 मोल into delta T. Isn't this specific heat, molar specific heat? Okay, and delta U by delta T, U को time से, temperature से divide कर दूं, कितना मिलेगा? R. So, पहले लिख दूं, but delta Q by 1 delta T is C, molar specific heat capacity. And as a result, C is equal to delta U by delta T. T divide कर दो नीचे. So this derivation, sir, ये derivation कहता क्या है हमसे? ये derivation कहता है कि solids की molar specific heat capacity सबकी करीबन करीबन 3R के आसपास ही होती है. You know R is 8.31 and 8.31 into 3 करीबन 25-26 के आसपास ही आपकी solids की molar specific heat capacity होती है. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक खुली है टेबल 12.1 में, उन्होंने काफी सारे सॉलिड्स की मोलर स्पेसिफिक हीट्स कैपेसिटी दिखाई है और वो सारी 25-26 के आसपास ही, एक आध एक्सेप्शन बीच में रह जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, एक्सेप्शंस डू नॉट प्रूव द ट्रूथ. बट ऑन अ जनरल फॉर्मूला सी इज इक्वल टू 3R फॉर अ सॉलिड एब्सोल्युटली वर्क्स आउट. सो आप देखेंगे कुछ की 25 है, कुछ की 26 है, कुछ की 24.5 है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सबकी रेंज इसी तरह की होती है. सो दिस वॉज अ नोट विच विल नॉट बी यूज एनीवेयर, बट जस्ट सॉलिड की भी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने फाइंड कर ली. ओके, ये टेक्स्ट बुक में लिखा है तो मैंने कर लिया इस चीज को. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर दैट इंपॉर्टेंट यू नो बिट विच इज सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर. वेरी लवली, वेरी इजी डेरिवेशन, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है. Just basic formula आपको पता होनी चाहिए and you are good. Okay? So, क्या है question? To prove that Cp minus Cv is R. Okay sir, proof is ready. भाई कुछ भी करने से पहले basic समा तो बांध लेना चाहिए. भाई एक मोल गैस है हमारे पास. Consider one mole गैस. चलो अच्छी बात है, श्री गणेशाय नमः हो गया हमारा, ठीक से वन मोल गैस है हमारे पास. एंड फर्स्ट लॉ क्या कहता था, क्योंकि उसी को यूज करना है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी. डेल्टा डब्ल्यू की जगह मैं पी डेल्टा वी लगा रहा हूं. नाउ सबसे पहले एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मैं पहले CV फाइंड कर लूं, CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो व्हाट विल बी द चेंज इन वॉल्यूम? सो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज होगा वॉल्यूम में? नहीं होगा सर. ओ वाओ, तो डोंट यू अग्री ये टर्म उड़ जाएगी. देयरफॉर डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डेल्टा यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस जीरो. And let me divide by delta T. So delta Q by delta T. This is only happening at constant volume. इसलिए नीचे subscript में V लिखा हुआ है. And अभी थोड़ी देर पहले देखा delta Q by 1 delta T. Isn't it CV? Okay, तो CV is अब delta U by delta T constant volume. मतलब delta U by delta T ही, कोई बड़ी बात नहीं. मैं subscript हटा देता हूँ क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है. Okay, now ये सीवी तो मिल गया मुझे, चलो बहुत अच्छी बात है. अब एट कांस्टेंट प्रेशर की बातें करेंगे हम. व्हाट हैपेंस एट कांस्टेंट प्रेशर? अच्छा जी, कांस्टेंट प्रेशर पे जाने क्या क्या होता है. ओके, अच्छा, डू यू नो द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस? सर पता ही है ना, पीवी इज म्यू आरटी, बट म्यू तो वन है ना, तो पीवी इज आरटी सिंस म्यू इज इक्वल टू वन. तो अगर यहां पर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा, इस साइड में आर कांस्टेंट है तो टी चेंज होगा. देयरफॉर कैन आई सेफली राइट पी डेल्टा वी इज आर डेल्टा टी. आपने देखा यहां पे प्रेशर कांस्टेंट, यहां पे आर कांस्टेंट, यहां वी चेंज होगा तो यहां टी चेंज होगा. सो पी वी इज आर टी की जगह मैंने पी डेल्टा वी इज आर डेल्टा टी लगा डाला. दस अब आपका फर्स्ट लॉ क्या होता है? सो इक्वेशन कौन सा? वन,
becomes delta Q at constant pressure is delta U at constant pressure plus P delta V ki jaga R delta T dividing by delta T. Delta U by delta T to same hi baat hai, koi farak nahi. R delta T by delta T. Hey Ram, delta T to kat jana hai maharaj. Khachyeng hai, khachyeng. Oh, delta Q by delta T at constant pressure, isn't it Cp? So Cp is delta U by delta T to as is usual plus R. Answer ki khushbu aa rahi hai ki nahi aa rahi hai? सर नाक बंद है आजकल. हाँ वही होता है. अगर मैं 3 में से मुझे क्या चाहिए Cp माइनस Cv तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूं. डोंट यू सी डेल्टा यू बाय डेल्टा टी, डेल्टा यू बाय डेल्टा टी गोज अवे. तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3 व्हाट यू गेट. कोई बड़ी बात नहीं. Cp माइनस Cv इज R. क्या बात है सर. भाई बढ़िया डेरिवेशन. ये बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में. अच्छा एक और बात बता दो आपको. सीपी माने सीवी आ रही तो ठीक है. देयर इज वन मोर आइडिया. गामा, यू नो दिस इज गामा. गामा इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू सीपी बाय सीवी. सर गामा कौन है बता दो फिर से. इट इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट. जेई वगैरह में काफी इस्तेमाल करेंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. So gamma is Cp by Cv, which is your adiabatic constant. Okay, the ratio of specific molar specific heat capacity at constant pressure to the molar specific heat capacity at constant volume is called gamma. And let me give you a small note. Again, this note is not there in the textbook, but I think I will use it in solving a sum or something like that. So just hang on. Note me. I'll prove that in this thing. What do you call it? Chapter 13. So for monoatomic gases, अगर आपका monoatomic gas है, you know इसका विस्तार में derivation करेंगे chapter 13 में. फिलहाल नहीं, फिलहाल सिर्फ लिखा पढ़ी कर रहा हूँ. Monoatomic gas के लिए Cv is 3R by 2, Cp is 5R by 2. You know Cp is Cv plus R, तो इसको plus R कर दिए. And gamma Cp by Cv, 5 by 3. This is for monoatomic gases. For diatomic gases, ये value जरूरी है क्योंकि इसको इस्तेमाल करना है आज. Cv is 5R by 2, Cp is 7R by 2, therefore gamma Cp by Cv, 7 by 5. Might as well write at least this much. Diatomic gas ke liye gamma is 7 by 5. Isko use karenge. Right. To Cp minus Cv is equal to R karne ke baad uska adhyay khatam hua. Ab processes ki aur dheere dheere hamare kadam badh rahe. And the first thing I'm going to do is state variables. Not that you have not done that. But what are thermodynamic state variables? We've already seen that. You know, functions like values, like quantities, like pressure, volume, mass, internal energy, temperature, जो किसी भी system का उस moment का thermodynamic state या किसी भी moment का thermodynamic state बयान करते हैं, explain करते हैं, describe करते हैं, those are called thermodynamic state variables. So the variables, the terms that are used to describe the thermodynamic state of any system are called thermodynamic state variables. Dynamic state variables. And as I already told you, for example, pressure, volume, temperature, मास, इंटरनल एनर्जी, ये सारे चीजों को हम यूज करते हैं कोई भी स्टेट का क्या, यू नो कोई भी सिस्टम का क्या स्टेट है फिलहाल
वो बताने के लिए. सो दीज आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स. नाउ स्टेट वेरिएबल्स कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, वन इज एक्सटेंसिव वेरिएबल्स एंड द अदर आर इंटेंसिव वेरिएबल्स. नाउ व्हाट आर एक्सटेंसिव वेरिएबल्स? द वेरिएबल्स दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम. सो दीज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम एंड दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. यू नो वेरिएबल्स लाइक वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, ये सारे एक्सटेंसिव हैं एक्सेट्रा आर एक्सटेंसिव. अर्थात अगर तुम सिस्टम की साइज छोटी कर दोगे तो इन चीजों में चेंज आएगा. सो अगर तुम सिस्टम को आधा कर देते हो तो मास भी आधा हो जाएगा सिस्टम का, अवेलेबल वॉल्यूम. तुम सोचो ना, तुम जिस रूम में बैठे हो उस रूम को मैं आधा कर दूं, डोंट यू अग्री? रूम का वॉल्यूम आधा हो गया. एंड अगर तुम रूम को आधा कर देते हो तो पार्टिकल्स भी आधे आधे बट गए. तो पहले सारे पार्टिकल्स की टोटल इंटरनल एनर्जी यू थी, अब मैंने आधा कर दिया, पार्टिकल्स आधे आधे बांट दिए, अब सबकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? u/2 ईच. सो ये सारी चीजें सिस्टम की साइज पे डिपेंड करती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव. सेकेंड इज इंटेंसिव वेरिएबल्स, एंड एज द नेम सजेस्ट दे डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम. सो दीज डू नॉट, आई रिपीट, डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम. सो कौन से एग्जाम्पल्स है इसके? प्रेशर है, फिर टेम्परेचर है, और कुछ डेंसिटी है, ये सारे इंटेंसिव है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रूम का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और मैं इस रूम को दो टुकड़ों में बांटता हूं, भाई क्या अलग 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 टुकड़े का टेम्परेचर 17-17 हो जाए? नहीं ना, टेम्परेचर तो 35 ही रहेगा. सेम विद प्रेशर एंड डेंसिटी. सो ये चीजें साइज के साथ चेंज नहीं होती, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल्स. जो साइज के साथ चेंज होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स. एंड कोई इक्वेशन जो स्टेट वेरिएबल्स को लिंक करता है, इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट. आई एम श्योर यू नो इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, जानते ही हैं आप, नई बात नहीं है. पीवी इज म्यू आर टी, सही पकड़े हैं? तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, मास है, टेम्परेचर है. सो ये सारी जो स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको लिंक करता हुआ ये इक्वेशन है. दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस. सो दिस इज व्हाट इज स्टेट वेरिएबल्स. नाउ इनको यूज करते हुए लेट अस गो ऑन टू अ कपल ऑफ प्रोसेसेस. लेट अस गो ऑन टू सम प्रोसेसेस. लेट अस फर्स्ट लुक एट समथिंग विच इज अ लिटिल हाइपोथेटिकल. हाइपोथेटिकल मतलब थोड़ा सा इमेजिनेशन इसमें जरूरी होगा. हो सकता है एक एक बहुत ही प्रैक्टिकल बेसिस पे ये चीज पॉसिबल ना लगे. दैट इज द प्राइम रीजन कि थोड़ा सा इमेजिनेशन अगर हो तो काम बन जाएगा. सो सम प्रोसेसेस, उसमें मेरी सबसे पहली प्रोसेस, एज आई सेड हाइपोथेटिकल है थोड़ी, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. सर ये नाम ही कितना खतरनाक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. अरे बाबा, क्वासी मतलब नियरली, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी. ये प्रोसेस नियरली स्टेशनरी है. नियरली स्टेशनरी, नियरली स्टैटिक का मतलब क्या है? पहले कोई भी सिस्टम को तो समझ लेते हैं, एक आध सिस्टम पकड़ते हैं. कंसिडर अ सिस्टम विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग्स. थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्यू मतलब इक्विलिब्रियम विथ इट्स सराउंडिंग्स. लेट मी शो यू सच अ सिस्टम. ओके, ये एक कंटेनर है और ये इसमें पिस्टन लगा हुआ है, कंटेनर में ढक्कन लगाया है. और इस ढक्कन को फिट करने के लिए, यहीं पे रखने के लिए, मैंने एक छोटा सा मास एम का वजन लगाया है ताकि ये ढक्कन यहां पे स्थिर
स्टडी रहे। एंड फिलहाल इस तरह का सिचुएशन है कि अंदर का गैस का सिस्टम का जो प्रेशर वॉल्यूम है, बाहर का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है, वो सब सेम है, वॉल्यूम नहीं टेम्परेचर। अंदर का जो प्रेशर टेम्परेचर सिनारियो है, बाहर का जो सराउंडिंग का प्रेशर टेम्परेचर सिनारियो, दोनों सेम है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। ओके, एवरीबॉडी इज हैप्पी। अब क्या करोगे सर? मैं क्या करने वाला हूं? ये इक्विलिब्रियम है फिलहाल, मैं इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दूंगा। कैसे? मैं अचानक से ये मास एम उठा लेता हूं, यू नो आई लिफ्ट दिस मास एम। डोंट यू अग्री, अचानक से ये मास एम उठा लेने से अब ये पिस्टन ऊपर की ओर प्रयाण करेगा। बिल्कुल करेगा सर, ऊपर की ओर प्रयाण करेगा। सो मैंने जो ऊपर वजन रखा था इसके ऊपर वो हटा दिया, तो ये पिस्टन, ये ढक्कन ऐसा आ गया अचानक से। डोंट यू अग्री, ये अचानक होने की वजह से अब इक्विलिब्रियम सिनारियो डिस्टर्ब हो गया पूरा। अब अंदर का प्रेशर टेम्परेचर और बाहर का प्रेशर टेम्परेचर दोनों अलग हो गए। अंदर का प्रेशर टेम्परेचर और बाहर का प्रेशर टेम्परेचर एकदम गड़बड़ा गए, एकदम अलग अलग हो गए। सिस्टम को इक्विलिब्रियम में आने में काफी टाइम लग जाएगा। सिस्टम तो कोशिश कर रही है इक्विलिब्रियम लाने की, पर इक्विलिब्रियम हो नहीं रहा, तो धीरे धीरे वो कोशिश करेगी। पर ये यहां से ओरिजिनल सिस्टम से, ओरिजिनल सिचुएशन से, ओरिजिनल स्टेट से फाइनल तक पहुंचने में इट विल गो थ्रू अ लार्ज अमाउंट, लार्ज नंबर ऑफ इनइक्विलिब्रियम स्टेट्स, तब जाके फाइनली इक्विलिब्रियम पहुंचेगा। सो व्हेन वेट इज लिफ्टेड सडनली the equilibrium is destroyed ho gaya, and the system will take a very long time to again establish equilibrium with the surroundings, again attain equilibrium with the surroundings. And during this time, problem wo nahi hai ki bahut zyada time lag raha hai ya equilibrium establish karne mein, nahi, प्रॉब्लम यह है ड्यूरिंग दिस टाइम इट पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेट्स विच आर ऑल इन इक्विलिब्रियम। ड्यूरिंग दिस टाइम द सिस्टम पासिस थ्रू अ नंबर ऑफ इन इक्विलिब्रियम स्टेट्स, नंबर ऑफ इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम था, आखिर में इक्विलिब्रियम है, बट जो बीच में सारे स्टेट आए, यू नो, अचानक तुमने उठा दिया, अचानक से जो खलबली मचा दी तुमने, इसकी वजह से जो भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज होने लगे फटाफट फटाफट, वो सारे इनइक्विलिब्रियम के थे। पासिस थ्रू अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ इनइक्विलिब्रियम स्टेट्स। तो प्रॉब्लम क्या है सर? बस यही होता है जब अचानक से यू नो एयर और फ्यूल वेपर मिक्स करता हूं और स्पार्क होता है स्पार्क प्लग में, तो ये भी इनइक्विलिब्रियम स्टेट ही है सारे। वापिस इक्विलिब्रियम आने में बहुत बड़ा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और यहां से वहां तक जो भी स्टेट्स आए हैं वो सब इन इक्विलिब्रियम के हैं। तो सर करना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि सिस्टम पहले इक्विलिब्रियम में था, आखिर में इक्विलिब्रियम में है, बीच में भी जितने भी स्टेट से पास हो वो सारे स्टेट्स इक्विलिब्रियम के ही हो। अब तुम बोलोगे सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं बेटा, अगर हाइपोथेटिकली सोचने जाओ तो ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे इफ यू रिमेंबर, मैंने यहां से वजन अचानक से उठा दिया और यह सिस्टम अचानक से यहां पहुंच गया, पर मैं ऐसा ना करते हुए अगर इस पिस्टन को, अगर इस लिड को पहले फिलहाल इक्विलिब्रियम में यहां पे थोड़ा सा उठाऊं, इन्फिनिटेसिमल थोड़ा सा उठाया, सिस्टम धीरे थोड़ा, ये प्रेशर में चेंज थोड़ा है तो ये सिस्टम धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मैं थोड़ा उठा के रुक जाता हूं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में आया, फिर वापस थोड़ा उठाता हूं, रुक जाता हूं, फिर से इक्विलिब्रियम में आया, फिर से थोड़ा उठाता हूं, फिर से थोड़ा उठाता हूं। सो इन शॉर्ट, यहां से लेकर यहां जाता हूं मेरे पास बहुत सारे स्टेप्स हैं, पर वो हर स्टेप जो है वो इक्विलिब्रियम का है, जबकि ओरिजिनली यहां पे हमने देखा सीधा यहां से यहां उठा दिया, बीच में कोई स्टेट इक्विलिब्रियम का था ही नहीं। सो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग तुम बोलोगे सर ये पॉसिबल है,
To some extent, yes, hypothetically speaking, if we give a small displacement to the piston, then in some time it comes in equilibrium with the surroundings, of course. Then we again give some displacement and wait for equilibrium. तो ऐसा करते करते through a very large number of steps हम initial से final state पे जाते हैं and बीच में सारे जो भी states आए हैं वो सारे equilibrium के states हैं. Alright, so that is the most beautiful thing about this. That is why I say nearly static. मैंने थोड़ा उठाया, रुक गया. System equilibrium में आ गया. फिर थोड़ा उठाया, रुक गया. So आप देखो कोई भी सिचुएशन में, कोई भी स्टेप में बहुत ज्यादा प्रेशर में या टेम्परेचर में बदलाव है ही नहीं, छोटे छोटे बदलाव है. और वो छोटे छोटे बदलाव की वजह से सिस्टम धीरे धीरे इक्विलिब्रियम में आता ही जाता है. हर स्टेप इक्विलिब्रियम का होता है. सो आई थिंक नाउ आई शुड रब दिस ऑफ. दस वेट फॉर इक्विलिब्रियम. दस ईच स्टेप इज ऑफ इक्विलिब्रियम and system goes from initial to final state always passing through equilibrium states. यहां पे equilibrium state से pass नहीं हो रहा था कहीं पे भी, यहां पे equilibrium state से ही pass हो रहा है. So such a process is hypothetical of course, but such a process is called a quasi-static process. So, अगर आप चाहते हैं कि आपके states equilibrium के हो, तो जो भी आप change करें, उसको थोड़ा-थोड़ा करके करें, तो system धीरे-धीरे equilibrium में आएगा और अपने आप को एक state से दूसरे state तक लेके जाने में सारे states equilibrium के होंगे. So, such a process is called a quasi-static process. Okay, it's a hypothetical idea. इसका कोई काम नहीं है. बस एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है. एंड अब नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आई एम डूइंग इट नाउ. अब बात आई है आइसोथर्मल प्रोसेस की. कौन सी प्रोसेस है ये? आइसोथर्मल प्रोसेस. माय गॉड, जबरदस्त. सो द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर. So here the temperature of the process is constant and I think Boyle's law mein temperature constant ki baat chali thi. According to Boyle, at constant temperature pressure is inversely proportional to volume. So according to Boyle, P inversely proportional to V at constant temperature, or P into V is constant. Very important relation for isothermal process. The product of pressure and volume always remains constant. अब करना क्या चाहते हो? मैं करना ये चाहता हूं कि एक system है. Consider a system at P1 V1. जब मैं कहता हूं ऐसा P1 V1, इसका मतलब प्रेशर इज P1, वॉल्यूम इज V1, टेम्परेचर तो सेम ही है T, एट टेम्परेचर T. वी विश टू टेक इट टू P2 V2. मतलब अब मैं प्रेशर कितना करना चाहता हूं P2, वॉल्यूम कितना करना चाहता हूं V2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. ओके, कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे? ओके, तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ सिचुएशन जहां पे इस तरह मैं यू नो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के जरिए धीरे धीरे चेंज कर रहा हूं. कोई एक पॉइंट पे लेट्स टेक अ सिचुएशन व्हेन द प्रेशर इज पी, प्रेशर पी है एंड थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज है विच इज डेल्टा वी एंड द इंफिनिटेसिमली स्मॉल चेंज, बहुत ही छोटा चेंज. And the small change in volume
इज डेल्टा वी। पी को और डेल्टा वी को देख के वर्क डन का वो अप्रतिम फॉर्मूला याद आता है, सो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी। भाई ये तो छोटी सी एक स्टेट का इधर से उधर का पी डेल्टा वी है, वर्क डन है। मुझे इनिशियल से फाइनल तक जाना है, मतलब वॉल्यूम को V1 से लेकर V2 तक लेके जाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, द टोटल वर्क डन। डोंट यू अग्री आई शुड इंटीग्रेट दिस होल थिंग, द टोटल वर्क डन इज W इज इंटीग्रल डी डब्ल्यू एंड डेल्टा W इज P डेल्टा V, तो डी डब्ल्यू इज पी डी वी, कहां से लेकर कहां तक, V1 से लेकर V2 तक। ओके अच्छा सर अब क्या करोगे? नाउ भाई जो भी इक्वेशन जो भी हथियार हमारे पास है उससे लड़ना पड़ता है। डू यू नो इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस, पी वी इज म्यू आर टी, तो हाउ मच विल बी पी म्यू आर टी बाई वी। तो इस पी की जगह म्यू आर टी बाई वी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, संग रहे मेरे म्यू आर टी बाई वी डी वी, कहां से लेकर कहां तक, इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 तक। म्यू नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और इस बार तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो म्यू आर टी सबको उठा के बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रल डी वी बाई वी V1 टू V2। आई होप आपको याद हो इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स नेचुरल लॉग एक्स, बचपन में किया था, log of x to the base e या natural log x, so integral dv by v will be natural log v, कहां से लेकर कहां तक, V1 से लेकर V2 तक। I think I will take this off, so you might as well just have a look फटाफट, pv is equals to constant, ये important है आपके लिए, so I'm taking this off एंड अब पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस करके लोअर लिमिट, सो म्यू आर टी पहले वी की जगह V2 नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1 एंड एवरीबडी नोज लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी, सो लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर्मूला आ चुका है फाइनल, वर्क इज म्यू आर टी नेचुरल लॉग V2 बाय V1 and if you are not feeling so comfortable by while using natural log, aapko log to the base 10 use karna hai, so that's also a very beautiful idea, mu rt to convert from natural log to log to the base 10 you have to multiply by 2.303 log to the base 10 v2 by v1, so this was a very good theory question which was find out the equation for work done during an isothermal process. तो वर्क इज म्यू आर टी नेचुरल लॉग V2 बाय V1। अच्छा एक छोटी सी नोट में मैं आगे बढ़ूंगा, फर्स्ट लॉ यूज करना है मुझे, बट क्या इंप्लीकेशंस है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए पहले आपको बता दूं। याद रहे द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन वन थिंग, टेम्परेचर। एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक आई शुड अंडरलाइन दिस। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। अब इस प्रोसेस में आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर ही कॉन्स्टेंट है भाई, तो डोंट यू अग्री अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कॉन्स्टेंट होगी, सो वॉट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जीरो। सो इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट then blue में लिखा पड़ी delta u is equal to zero, change in internal energy is zero and as a result what will become of first law of thermodynamics, I'll take this off, okay, so if I were to put my first law into effect for an isothermal process तो जाने क्या होगा रामा रे, पहले first law का equation देखते हैं और फिर उसमें लगा के देखते क्या हो रहा है, देखेंगे क्या है क्या नहीं करके, पहले देखो तो सही। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू,
अब डेल्टा यू तो जीरो है, एंड इफ डेल्टा यू इज जीरो देन डोंट यू अग्री डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इस इक्वेशन का मतलब यह है साफ कि वट एवर हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम ओनली गोज इन डूइंग यूजफुल वर्क। इंटरनल एनर्जी, सपोज सिस्टम ने 10 जूल हीट एनर्जी एक्सेप्ट की, तो वो सारी की सारी 10 जूल का वर्क डन होगा, इंटरनल एनर्जी में कतई कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इन दिस सिचुएशन दिस इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो तो इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी, कोई चेंज इंटरनल एनर्जी में नहीं होगा। दैट इज सो ऑल द हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम गोज इन डूइंग यूजफुल वर्क। एंड बिफोर आई साइन ऑफ फ्रॉम दिस टॉपिक, आई थिंक यू नो ये नोट का पार्ट वन था, ये है नोट का पार्ट टू। आई थिंक इट्स हाई टाइम आई टोल्ड यू वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, मैं पिस्टन को दबाऊं नीचे, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट इज कंसिडर्ड नेगेटिव। सो वर्क डन, रेड में लिख रहा हूं प्लीज राइट इट डाउन, वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। सिमिलरली इसको साइन कन्वेंशन कहते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर गैस पिस्टन को ऊपर धक्का मारे तो दिस इज वर्क बीइंग डन बाय द सिस्टम, तो दैट विल बी पॉजिटिव। अगर मैं पिस्टन को नीचे धक्का मारूं तो दैट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, हीट एनर्जी का भी है, हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव एंड हीट एनर्जी रिलीज निकाल दी उसने बाय सिस्टम इज टेकन नेगेटिव। सो अगर सिस्टम यू नो जो कंटेनर है बाहर से नीचे तुम गैस जला दिए, बर्नर जला दिए और उसमें से वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, देन दैट हीट एनर्जी विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव। और अगर सिस्टम हीट निकाल देता है अपने में से, सिस्टम सराउंडिंग को हीट एनर्जी दे देता है, तो दैट हीट एनर्जी विल बी टेकन नेगेटिव। सो प्लीज राइट दिस डाउन पीपल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। आइसोथर्मल प्रोसेस करने के बाद अब एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट प्रोसेस आया, आइसोथर्मल जैसा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडायबैटिक प्रोसेस। अब ये एडायबैटिक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, पी वी वर चेंजिंग, बट इन एन एडायबैटिक प्रोसेस दिस इज सच अ प्रोसेस इन विच सिस्टम न बाहर से हीट एनर्जी लेता है न बाहर हीट एनर्जी देता है। यू कैन कॉल दिस सिस्टम एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो भी कुछ हो रहा है अंदर सिस्टम के अंदर ही हो रहा है, बाहर से कोई हीट एनर्जी ली नहीं जा रही है, बाहर कोई हीट एनर्जी रिलीज नहीं की जा रही है, सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एन एडायबैटिक प्रोसेस। सो अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज हीट एनर्जी विद द सराउंडिंग्स is called adiabatic, मतलब न लेना कुछ न देना कुछ। That means कितनी heat energy release की या absorb की, zero. So delta Q is going to be zero. And maybe you don't know this because nobody has ever told you this. जैसा pressure volume का relation isothermal का था, PV is constant, ऐसा कुछ adiabatic का भी है। तो फॉर एन एडायबैटिक प्रोसेस, इट्स अ लवली इक्वेशन, पी इंटू वी रेस टू गामा इज कॉन्स्टेंट, सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम रेस टू गामा इज कॉन्स्टेंट, गामा इज कॉल्ड एन एडायबैटिक कॉन्स्टेंट, गामा हमको पता है सीपी बाई सीवी है, नो बिग इशू। तो पी इंटू वी रेस टू गामा विल बी constant. So this is the idea for the adiabatic process. Achha, before I find out work done for this process,
एक छोटी सी नोट में, मैं जैसे ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिश्ता है, नाउ समबडी विल टेल मी सर तो इसमें टेम्परेचर चेंज होता है? बिल्कुल होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था, सो सिर्फ पीवी का रिश्ता था, पर यहां पे पी वी और टी तीनों चेंज होता है, तो सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम का ही रिश्ता है या दूसरों का भी है? है बताता हूं, वो एंड में बताऊंगा, ठीक है ना, अभी छोड़ देते हैं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम रेस टू गामा इज कॉन्स्टेंट, ये पकड़ लो। नाउ हमने जैसा मिशन टेम्पलेट लिया था, कंसिडर अ सिस्टम एट पी वन वी वन टी वन एंड वी टेक इट टू स्टेट, कौन से स्टेट में लेके जाते हैं? पी टू वी टू टी टू। देखा आपने तीनों पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, पी वी और टी, पी वन वी वन टी वन है यहां पे, पी टू वी टू टी टू है यहां पे, थ्रू एन एडायबैटिक प्रोसेस। वी नीड टू फाइंड वर्क डन एज इज यूजुअल, हमको वर्क डन फाइंड करना है। तो वी नो यू नो कंसिडर अ सिचुएशन जहां पे छोटा सा स्टेट है, प्रेशर है पी, वॉल्यूम इज डेल्टा वी। इफ एट एनी पॉइंट प्रेशर, क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस ही यूज कर रहे हैं, प्रेशर इज पी एंड चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी, देन वर्क डन। ये बात तो काबिले नोटिस है कि यहां पे भी डेल्टा डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी ही यूज कर रहा हूं, एंड आइसोथर्मल में भी डेल्टा डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी ही यूज किया था मैंने। ओके, सो टोटल वर्क डन सेम आइडिया, बेसिक चेंज नहीं होता कहीं पे भी। वर्क इज इंटीग्रल डी डब्ल्यू विच इज इंटीग्रल पी डी वी। अब यहां पे वी वन से लेकर वी टू तक, अब यहां पे परिस्थिति थोड़ी सी गंभीर है। क्यों गंभीर है सर? पी इज इक्वल टू म्यू आर टी बाई वी लगा दो ना, आपने लगाया था आइसोथर्मल में, बिल्कुल, पर उस टाइम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था तो वो कॉन्स्टेंट बन के बाहर आ गया, देर वॉज ओनली वन वेरिएबल विच वॉज वॉल्यूम। तो यहां पे अगर आप P इज इक्वल टू म्यू आर टी बाई वी लगाते हो, T भी वेरिएबल है, V भी वेरिएबल है, दो दो वेरिएबल के साथ आप जंग नहीं कर पाओगे, मुश्किल होगा। तो वॉट इज दी ऑप्शन, हाउ डू वी रोल, दिस विल हेल्प अस आउट। वी नो P इंटू वी रेस टू गामा इज कॉन्स्टेंट, सर पता है हमको, एंड लेट दिस कॉन्स्टेंट बी कॉल्ड के। सो पी वी रेस टू गामा इज के, सो कैन आई से देर फॉर पी इज के बाई वी रेस टू गामा? आहा, पी इंटू वी रेस टू गामा इज के, तो पी अकेला, मुझे पी सब्स्टिट्यूट करना है, तो पी इज कॉन्स्टेंट के ओवर वी रेस टू गामा, बढ़िया है। ओके, तो मैं इसको तीन नंबर को ठा करके दो नंबर में डाल दूंगा, पी की जगह के बाई वी रेस टू गामा। ऑल्सो अब बात हो ही रही है तो बात हो ही जाए, इनिशियल स्टेट क्या था? पी वन वी वन, फाइनल स्टेट क्या है? पी टू वी टू। तो डोंट यू अग्री पी वन इंटू वी वन रेस टू गामा इज पी टू इंटू वी टू रेस टू गामा, एंड दैट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। कोई भी स्टेट का पी इंटू वी रेस टू गामा तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, हमने उसको के का नाम दे दिया। इसको रखो फिलहाल कोल्ड स्टोरेज में, जब यूज करना होगा तब मैं बताऊंगा आपको। अब P इज इक्वल टू के बाई वी रेस टू गामा को उठा के यहां डाला मैंने, और अब मैं इस बोर्ड को खाने आ रहा हूं। डोंट डू यू अग्री, मैं खा सकता हूं इसको? ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ये और ये लिख लीजिए, मैं यूज करने वाला हूं इसको एंड में, डेल्टा क्यू इज जीरो। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स पुट दिस। सो वर्क डन का इक्वेशन क्या हो गया? सो वर्क इज इंटीग्रल के बाई वी रेस टू गामा डी वी, कहां से लेकर कहां तक? वी वन से लेकर वी टू तक। भैया के तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड वन अपॉन वी रेस टू गामा को कैन आई राइट वी रेस टू माइनस गामा डी वी? भाई इंटीग्रल एक्स रेस टू एन डी एक्स जैसा, इंटीग्रल एक्स रेस टू एन डी एक्स इज एक्स रेस टू एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, बेहतरीन। वी रेस टू, ये एक्स रेस टू एन, एन क्या है? माइनस गामा, तो माइनस गामा प्लस वन ओवर माइनस गामा प्लस वन, वी वन से लेकर वी टू तक। अब सौ बात की एक बात, ये माइनस गामा प्लस वन को बाहर ले लो, वन माइनस गामा बना दो,
वी रेस टू माइनस गामा प्लस वन कहां से लेकर कहां तक, वी वन से लेकर वी टू तक। थोड़ा सा दिक्कत वाला इक्वेशन पेश हो जाएगा, पहले वी की जगह वी टू, तो वी टू रेस टू माइनस गामा प्लस वन माइनस करके वी की जगह वी वन। नाउ यू विल टेल मी सर ये तो यार घटिया इक्वेशन है, इतना बड़ा इक्वेशन कैसे यूज करेंगे। आप टेंशन ज्यादा ले लेते हो, मैं सिर्फ ब्रैकेट खोल रहा हूं। अब क्या कीजिएगा, इस के की जगह कैन आई पुट पी टू इंटू वी टू रेस टू गामा हियर, लुक्स लाइक अ गुड आइडिया। इस के की जगह कैन आई पुट पी टू इंटू वी टू रेस टू गामा, और इस के की जगह कैन आई पुट पी वन इंटू वी वन रेस टू गामा। वाह, तो आओ लगाए इस के की जगह पी टू इंटू वी टू रेस टू गामा, और आप देखेंगे कि गंदे इक्वेशन से अचानक से सुंदरता प्रकट हो जाएगी। सो नाउ ये देखा आपने वी टू वी टू सेम बेस, तो ऊपर गामा माइनस गामा प्लस वन, गामा माइनस गामा गियो वन बच गियो, तो वी टू रेस टू वन। इसी तरह वी वन कॉमन बेस, गामा माइनस गामा प्लस वन, गामा माइनस गामा गया, वी वन रेस टू वन बचा, एंड एज अ रिजल्ट You are left with a very wonderful and beautiful equation. दिखा देता हूं। So, what is that equation? I think I'll write it in blue, blue, blue. So, अच्छा इस बार छोड़ देते हैं blue को। So, work is P2 V2 minus P1 V1 over 1 minus gamma. Now, ये वन माइनस गामा जो है ना, गामा इज अ पॉजिटिव वैल्यू, वन से बड़ी होती है उसकी वैल्यू, तो गामा माइनस वन हो तो ज्यादा बेहतर है। ओके, तो नीचे से गामा आगे ले लेते हैं, यहां से पी वन वी वन आगे ले लेते हैं, नो बिग डील। सो दैट इज व्हाट इज माय इक्वेशन फॉर वर्क, वर्क इज पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू ओवर गामा माइनस वन। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल इक्वेशन, नंबर क्या था, तीन। एंड यही इक्वेशन टेम्परेचर के फॉर्म में भी आ सकता है, कैसे, PV is mu RT है ना, तो P1 V1, वी वन म्यू और आर तो कॉन्स्टेंट है T1, एंड P2 V2 वी टू इज म्यू आर टी टू, तो P1 V1 की जगह म्यू आर T1, P2 V2 की जगह म्यू आर T2, म्यू आर कॉमन, सो यू आर लेफ्ट विथ वर्क इज म्यू आर T1 माइनस T2 ओवर गामा माइनस वन। लवली इक्वेशंस। सो एडियाबेटिक प्रोसेस के वर्क डन, ये भी थियरी क्वेश्चन अच्छा है, विल बी पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू ओवर गामा माइनस वन, या वर्क इज म्यू आर टी वन माइनस टी टू ओवर गामा माइनस वन। अब उसी टाइप की नोट जो हमने उसमें लिखी थी फर्स्ट लॉ वाली, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट इफ यू रिमेंबर ये एडायबेटिक प्रोसेस है, हीट लेना देना पाप, मतलब एडायबेटिक प्रोसेस के लिए हीट लेना नहीं देना नहीं, तो डेल्टा क्यू जीरो था, सो जीरो इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, अर्थात द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द टोटल वर्क डन इज जीरो, और आई कैन टेक दिस नाउ, थैंक यू। ओके, एंड एज अ रिजल्ट ओ डेल्टा यू इज माइनस डेल्टा डब्ल्यू, नंबर क्या है भाई, एक। चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ द नेटवर्क, दैट इज सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सर इसका मतलब भी एक बार समझाई दो, समझा देता हूं। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, डू यू अग्री, वर्क डन बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव, देन इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, बेचारा काम किया ना, काम किया तो एनर्जी घट गई उसकी, सो इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम then
इंटरनल एनर्जी, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, पहले ये लिख देता हूं, नेगेटिव, दैट इज इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो वर्क क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, देन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम इजी पीजी जापानीजी. अच्छा, मैं आपको वो प्रेशर इनटू वी, प्रेशर और वॉल्यूम का रिश्ता दिया था, और मैंने आपसे कहा था, वादा किया था आपसे कि वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, इन सब का रिश्ता आपको दूंगा, तो वही दे रहा हूं. सो ये नोट वन था, ये नोट टू है, रिलेशंस बिटवीन पी वी एंड टी फॉर ए डायबेटिक प्रोसेस. खास करके जेई में और नीट में इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. सो प्रेशर इंटू वी रेज टू गैमा इज कॉन्स्टेंट, ये तो अपने को पता ही है. अब मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर का लाना चाहता हूं, तो पी, यू नो पी वी इज म्यू आर टी, तो पी इज म्यू आर टी बाई वी, तो टी इंटू वी रेज टू गैमा माइनस वन, यू कैन डिराइव इट योर सेल्फ ऑल्सो, इज कॉन्स्टेंट. पता चला आपको क्या किया मैंने, प्रेशर की जगह म्यू आर टी बाई वी लगा डाला, इंटू वी रेज टू गामा इज कॉन्स्टेंट, म्यू आर तो फालतू है, कॉन्स्टेंट ही है. सो टी इंटू, ये वन है, ये वी रेज टू गामा, ये वी रेज टू वन, तो ये वन ऊपर चढ़ जाएगा, अग्रीएबल. सो टी इंटू वी रेज टू गामा माइनस वन इज कॉन्स्टेंट. सिमिलरली प्रेशर और टेम्परेचर का लाने के लिए मुझे वॉल्यूम को उड़ाना पड़ेगा, तो प्रेशर इंटू वट इज वॉल्यूम, यू नो पी वी इज म्यू आर टी, तो वी इज म्यू आर टी बाई पी, द होल रेज टू गामा, म्यू आर को छोड़ दो, तो पी इंटू टी रेज टू गामा ओवर पी रेज टू गामा इज कॉन्स्टेंट. बता तो क्या आएगा, ये वन है, वन माइनस गामा इंटू टी रेज टू गामा इज कॉन्स्टेंट. मतलब अगर आपको एंड मोमेंट में इक्वेशन याद भी ना आ रहा हो या कोई डाउट हो, आप इस तरह डिराइव करके फाइंड कर सकते हो, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं काम करता हूं, मैं इनमें से एक आध यूज करता हूं अभी आपके लिए, तो आपको अंदाजा आएगा. सो पी वन माइनस गामा इंटू टी रेज टू गामा इज कॉन्स्टेंट. सो आई वुड रियली लाइक यू टू राइट दीज इक्वेशंस डाउन, ये पी वी का रिश्ता, ये टी वी का रिश्ता, ये पी टी का रिश्ता, एडायबैटिक प्रोसेस में ये सारे रिश्ते काम आते हैं. एंड भाई गामा भूलिएगा नहीं, सी पी बाय सी वी. ओके, सो दिस वॉज एडायबैटिक प्रोसेस फॉर यू, लेट्स मूव ऑन. एंड अब चौथी प्रोसेस, चौथी और पांचवी बहुत छोटी प्रोसेसेस हैं. चौथी है आइसोकोरिक प्रोसेस एंड पांचवी है आइसोबेरिक प्रोसेस. एज द नेम सजेस्ट, नंबर फोर आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, ओके, एंड आइसोबेरिक में प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. नो बिग इक्वेशंस, नो बिग पैरेड्स, जो इंपॉर्टेंट थे आइसोथर्मल और एडायबेटिक वो तो देख लिया हमने. सो आइसोकोरिक प्रोसेस, हियर एज आई सेड, हियर वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कॉन्स्टेंट. एंड अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो वॉट इज चेंज इन वॉल्यूम, जीरो. एंड देयरफॉर व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन सर पी डेल्टा वी होता है, पर अगर डेल्टा वी ही जीरो है तो वर्क डन इज ऑल्सो जीरो. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में देर इज नो वर्क डन, एंड बाय द फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, बट डेल्टा डब्ल्यू बीइंग जीरो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, अर्थात जितनी भी एनर्जी सिस्टम अब्सॉर्ब करता है बाहर से हीट एनर्जी, उससे वर्क वर्क तो कुछ होता नहीं है, वो सारी जाती है इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो ऑल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब गोज ओनली इनटू इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, द
दैट इज ऑल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब गोज ओनली इन इंक्रीजिंग, काम वाम तो कुछ हुआ नहीं, इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओके, सो दिस इज आइसोकोरिक. एंड लास्टली आइसोबेरिक, नाम में ही पता चलता है कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है यहां पे. आइसोबेरिक प्रोसेस, द प्रेशर इज कॉन्स्टेंट. एंड फर्स्ट लॉ का इसमें कोई इस्तेमाल नहीं है क्योंकि कोई चीज चेंज नहीं होती, ना डेल्टा यू जीरो होता है, ना यू ना वर्क डन कुछ जीरो नहीं होता. अच्छा, प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, तो वी नो पीवी इज म्यू आर टी, तो कैन आई राइट पी डेल्टा वी इज म्यू आर डेल्टा टी. यू नो यहां प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, यहां म्यू आर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वी हैव सीन दिस बिफोर. सो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज पी डेल्टा वी इज म्यू आर डेल्टा टी, और इफ यू आर सो इंक्लाइंड डेल्टा वी इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस डेल्टा टी इज टी टू माइनस टी वन. यू कैन यूज एनी ऑफ द इक्वेशंस दैट यू फील गुड. ओके, सो दिस इज आइसोबेरिक. एंड टू एंड द स्टोरी, टू एंड द सेशन, आई थिंक मुझे साइक्लिक प्रोसेस करके ये सेशन को एंड करना पड़ेगा. अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या है? यू नो, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम घूम फिर के बहुत सारे अलग अलग स्टेट से पास होते हुए फाइनली उसी स्टेट में आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था, दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक प्रोसेस. यू नो, वी ऑल गो थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस एवरी डे. आप सुबह उठते हो, घर से निकलते हो, स्कूल जाते हो, स्कूल से फिर ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन से फिर दोस्तों को मिलने जाते हो और फाइनली घर आते हो. शुरू कहां से किया था? घर से. खत्म कहां किया? घर पे. सो इनिशियल स्टेट इज सेम एज फाइनल स्टेट, दैट इज व्हाट इज अ साइक्लिक प्रोसेस. सो अ प्रोसेस इन विच द सिस्टम कम्स बैक टू द इनिशियल स्टेट आफ्टर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टेट्स इज अ साइक्लिक प्रोसेस. एंड क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है, तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर भी तो सेम है. तो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी? जीरो ना. सो हियर इंटरनल एनर्जी रिमेन्स सेम, देयरफॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज जीरो. क्या बात है सर. तो अगर सपोज सिस्टम यहां था, वो बुझ बुझ घूम के बुझ बुझ वापिस आ जाए, ये फाइनल स्टेट हो, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होने की वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगी एंड ऑल द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब विल गो इन डूइंग यूजफुल वर्क. यू वांट मी टू राइट दैट? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, लिख ही देता हूं. हाँ जी, सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. सर कहां देखा जाता है? हीट इंजिन्स वगैरह में ये सिस्टम देखा जाता है, ये प्रोसेस देखा जाता है जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होने से डेल्टा यू जीरो है एंड ऑल हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम गोज इन डूइंग यूजफुल वर्क. सो दिस इज द आइडिया ऑफ अ साइक्लिक प्रोसेस. लेट्स डू अ कपल ऑफ सम्स एंड गेट थ्रू द एंटायर आइडिया. प्लीज चेक दिस आउट. ओके, आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल 12.2. It says, what amount of heat energy must be supplied to 2 into 10 raised to minus 2 kg, 2 into 10 raised to minus 2 kg of nitrogen, N2, at room temperature to raise its temperature by 45 degrees. So, change in temperature is 45 degrees at constant pressure. Achha. Okay. Molecular mass of N2. Molecular mass of N2 is 28. I'm sure you know it's 28 gram per mole. And R is 8.3 joule per mole Kelvin. Okay. तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज करें सर. अच्छा, हीट सप्लाइड, वी नो हीट एनर्जी इज,
भाई डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा टी, वो याद था ना, सेम टू साइड। अब ये गैस हो गया ना तो म्यू वाला आएगा, सो डेल्टा क्यू इज म्यू सी डेल्टा टी। पर सी कौन सा लगा है, सीपी या सीवी? अगर आप देख रहे हैं प्रेशर इज कांस्टेंट, सो सीपी यूज किया जाएगा यहां पे, सो दिस विल बी द एंटायर आइडिया। सो डेल्टा क्यू इज म्यू सीपी डेल्टा टी। अब बात यह है कि हमारे पास ना म्यू है ना सीपी है। सीपी डायटोमिक गैसेस के लिए इफ यू रिमेंबर वो 7/5 आर वो यूज करेंगे, हम बाद में देखेंगे इसको। हम सबसे पहले म्यू निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स म्यू इज द मास ऑफ द गैस ओवर मोलेक्यूलर मास। भाई मास कितना है गैस का, 2 × 10⁻²kg। ये 28 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 28 × 10⁻³ केजी में आ गया ना, बरोबर। -3, ये -2 + 3 ऊपर चला गया तो 10 हो गया, सो 20/28। आई विल प्रिफर टू कीप इट एज अ रेशियो, 20/28। ये 4 से जाएगा, 4 5s are 20 एंड 4 7s are 28, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गया 5/7। एंड एज N2 इज डायटोमिक, नाइट्रोजन ही है ना, हाँ डायटोमिक, सो सीपी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। मैंने आपको नोट दिया था डायटोमिक गैसेस के लिए सीवी इज 5R/2, सीपी इज 7R/2। सब कुछ रेडी है, म्यू रेडी है, सीपी रेडी है, सो पुट दीज इन इक्वेशन 1। मैं भी रेडी हूं, म्यू 5/7, सीपी 7R/2 एंड डेल्टा टी। ओके मैं पहले काटा काटी करूंगा, टच टच, सो 5/2 × R की वैल्यू 8.3, डेल्टा टी 45। सो आई होप यू आर मल्टीप्लाइंग दिस ब्यूटिफुल थिंग, 5 × 8.3 × 45 डिवाइड बाय 2, 933.75। सो डेल्टा क्यू इज 933.75 जूल, यू कैन कंसिडर इट 934 जूल। याद रहे इसमें दो चीजें ऐसी यूज हुई हैं जो आपको इस चैप्टर की नहीं लगेंगी, जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का तरीका, सीपी फाइंड करने का तरीका। सो ये चीजें हमने अलग से लाया, पर मैंने आपको नोट में दिया था, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 12.2। आगे करने जा रहे हैं, कौन सा करने जा रहे हैं, 12.4। ये भी एक मस्त है जिसमें ए डायबैटिक प्रोसेस के दर्शन हुए होंगे, सो लेट अस डू दर्शन, आगे बढ़ जाते हैं। लिखा पढ़ी काफी है, पर मैं पढ़ लेता हूं और आपको तुरंत बता देता हूं क्या क्या है। सो लेट्स गेट रेडी। 12.4, अ सिलेंडर विथ अ मूवेबल पिस्टन कंटेन्स 3 moles ऑफ हाइड्रोजन, सो नंबर ऑफ मोल्स दिस इज 3 moles ऑफ H2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर आर मेड ऑफ अ हीट इंसुलेटर एंड द पिस्टन इज इंसुलेटेड बाय हैविंग अ पाइल ऑफ सैंड ऑन इट। इसका मतलब कहीं से भी हीट एनर्जी अंदर या बाहर आ ही नहीं सकती। ए डायबैटिक प्रोसेस की खुशबू आ रही है। बाय व्हाट फैक्टर डज द प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीज इफ द गैस इज कंप्रेस टू हाफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। सो वी टू इज V1/2, पी टू क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। लेट P1 को तो P1 ही पकड़ता है। सो अच्छा हियर लेट ओरिजिनल प्रेशर बी P1 एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज V1। फाइनल वॉल्यूम V2 इज V1/2, हमको P2 फाइंड करना है। द प्रोसेस इज ए डायबैटिक। डू यू रिमेंबर फॉर एन ए डायबैटिक प्रोसेस प्रेशर और वॉल्यूम का क्या रिश्ता था? सो P × V⁻γ इज कॉन्स्टेंट। ओके तो P₁ × V₁⁻γ इज P₂ × V₂⁻γ। मुझे P₂ की तलाश है, सो P₂ इज P₁ × V₁/V₂ द होल रेस टू गामा। सर अब V₂ की जगह
वी वन बाई टू लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे, पर अब गामा को भी लगाना है। हाइड्रोजन डायटोमिक है, H2 टू इज डायटोमिक, सो वही फॉर्मूला वही शीट में से जो हमने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया। गामा यू रिमेम्बर इज 7/5, CP 7R/2, CV 5R/2, गामा CP by CV 7/5, 1/4. So now I am ready. P1 into V1 by V2, V1 V2, V1 V1 कट गया, 2 चढ़ गया ऊपर। उन्होंने बोला है by what fraction, by what fraction ना, by what फैक्टर, फैक्टर हाँ वही मतलब, मतलब एक्चुअली उनको P2 नहीं चाहिए, उनको P2 by P1 चाहिए फैक्टर। सो P2 by P1 is 2 raised to 1.4। सर अब ये कहां से फाइंड करेंगे 2 raised to 1/4, 1.4 करेंगे करेंगे। अच्छा नाउ कोई भी चीज raised to something फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं, एंटी लॉग। You know, जब मैं लॉग लेता हूं तो 1.4 आगे जंप कर जाता है, 1.4 log 2, भाई वी आर ऑल लुकिंग एट 10 raised log to the base 10, सो एंटी लॉग 1.4, आई थिंक एवरीबॉडी नोज log 2 to the base 10, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस लॉग्स, मोस्ट मेमोरेबल लॉग्स। सो 1.4 इंटू 0.3010 मल्टीप्लाई करें 0.4214 ऐसा आता है। अब एंटी लॉगरिथम में 442 का 1 और 4 देखें तो इट कम्स आउट टू बी 2.638 आई थिंक इनटू 10 रेस टू 0, ये जो 0 है मेंटीसा यहां पे लगा दिया 10 रेस टू 0, 2.638 करीबन 2.64। सो यू कैन परस्यू द प्रोसेस राइट, यू कैन चेक इट आउट इन योर दिस थिंग, करीबन 2.64, यू कैन चेक दी आंसर ऑल्सो, फेयर इनफ। एंड आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप अलग अलग वैल्यूज लेके भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वॉज न्यूमेरिकल 12.4 एंड द लास्ट न्यूमेरिकल दैट आई एम गोइंग टू टुडे, आई थिंक 12.5 दैट टू बी द लास्ट न्यूमेरिकल फॉर द डे, उसके बाद छुट्टी, टिंग 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 घंटी बज जाएगी भाई, घंटी बजेगा तो घर जाएंगे और काम करेंगे भाई साहब, चाय वाय पी करके काम पे बैठेंगे, क्योंकि दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे। हाँ आई डोंट बिलीव इन दी अदर थिंग, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, जरूरत नहीं, काम कर लो अच्छी तरह, वी आर ऑल गुड, दैट्स द ओनली थिंग वर्थ डूइंग। इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ गैस ए डायबेटिकल, या आई लव ए डायबेटिक, फ्रॉम एन इक्विलिब्रियम स्टेट ए टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट बी, फ्रॉम ए टू बी कितना वर्क डन, इक्वल टू 22.3 जूल is done on the system. Can you see, can you read that on the system? Bhai on the system bole to negative. I hope you remember. On the system, work done on the system is negative. Work done by the system is positive. Okay. If the gas is taken from state A to B via process. Achha, ye baat ki baat hai. Ye pehla point hai. Toh sabse pehle main first law lagana chahunga. According to first law. Achha, this is an adiabatic process. This is adiabatic process. उन्होंने कहा है मुझसे कि ए डायबेटिक प्रोसेस थी पहली। अच्छा बाय फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, हियर भाई ए डायबेटिक प्रोसेस है तो डेल्टा क्यू इज जीरो, तो डेल्टा यू इज माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ए डायबेटिक प्रोसेस, डेल्टा डब्ल्यू की जगह माइनस 22.3 लगाया जाए तो यहां पर डेल्टा यू मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। सो ए से बी जाने में तुमको डेल्टा यू मिला 22.3 जूल। नाउ आई थिंक इट्स टाइम फॉर द सेकंड सेट ऑफ डेटा, क्या कहता है ये? नाउ इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम ए टू बी, इस बार फिर से फ्रॉम ए टू बी लिया जा रहा है, प्रोसेस इन विच हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम डेल्टा क्यू इज 9.35 कैल, हाउ मच इज द नेटवर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन फाइंड करना है, ओके एज सिंपल, सर क्या सिंपल है इसमें,
अच्छा सबसे पहले इस कैल को जूल में कन्वर्ट करें, उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि वन कैल इज 4.19 जूल, सो 9.35 इनटू 4.19 जूल, यू नो ये इसको कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वन कैलोरी को डिफाइन किया जाता है इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट इज यू नो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। वन कैलोरी इज 4.186 या 4.19 जूल, सो 9.35 इंटू 4.19 39.17 जूल, एंड दिस इज अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, सो अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम डेल्टा क्यू विल बी पॉजिटिव। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम बोलोगे सर डेल्टा क्यू है, डेल्टा डब्ल्यू नहीं है, पर डेल्टा यू भी तो नहीं है भाई साहब, थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, ए से बी ही जा रहे हो ना, यहां भी ए से बी है, सो यहां पे इनिशियल ए है फाइनल बी है, यहां भी इनिशियल ए है फाइनल बी है, भाई डेल्टा यू इज अ स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स एज इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, सो फ्रॉम ए टू बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वही रहेगा जो ये है, समझ में आई बात? तो आप ये नहीं कहना कि मेरे पास डेल्टा यू नहीं है, सो हियर माय फर्स्ट लॉ डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, एंड खेल खलास होने वाला है, दिस इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा क्यू कितना हुआ 39.17 माइनस 22.3, एंड हाउ मच इज दैट 39.17 माइनस 22.3 16.87 जूल, दिस मच वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, कैन यू सी वर्क डन इज पॉजिटिव, सो वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। ऑलराइट, सो आई थिंक काफी सारा ग्राउंड कवर कर लिया हमने, एंड अब सिर्फ हीट इंजन हीट पंप ये बचा है, कार्नो इंजन बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको ले लेंगे और इस चैप्टर को अलविदा करेंगे। थैंक यू सो मच, यू कीप डूइंग दिस, स्टे सेफ, बाय बाय।